सो गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 24 जो कार्ल मार्क्स के इंडिविजुअल पर्सन पे क्या व्यू थे, तो प्रेजेंटेड बाय हर्ष बंसल IRS। तो ऑलरेडी हमने जो काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं, डायलेक्टिक्स, हेगल्स डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, हेगल्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। नाउ मार्क्स का इंडिविजुअल पे क्या व्यू था। तो ये मैं छोटे छोटे टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जैसे कम्युनिटी फैसिज्म, लाइक इस साल ये 10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन इस साल UPSC में 2019 में देखोगे आप तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे 10 मार्क्स। तो मैं ये छोटे छोटे टॉपिक जो भी मार्क्स के आइडियाज़ है उन पर ले रहा हूँ, जैसे कि ये एलिनेशन की थ्योरी है, लेकिन यहाँ पर एक सोशल एलिनेशन की थ्योरी जो मार्क्स की एलिनेशन थ्योरी से डिफरेंट है। तो जो भी टॉपिक्स हैं वो सब हम ले रहे हैं ताकि आपको अगर कार्ल मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका वो स्किप ना हो पाए, इसलिए हम इतना डिटेल में कार्ल मार्क्स के क्वेश्चन जो सभी टॉपिक्स हैं वो कर रहे हैं। तो मार्क्स क्या कह रहा है, भी जो इंडिविजुअल है वो परपेचुअली क्या है, डिससेटिस्फाइड है। मतलब डिससेटिस्फाइड है, अगर एक बार उसकी कोई चीज़ पूरी हो जाती है, नीड पूरी होती है, तो वो न्यू नीड्स क्रिएट कर लेता है, ड्रिवन बाय स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड सबॉर्डिनेट टू इट। क्योंकि अब मैं आपको बताया था एक मैक्रो व्यू होता है, एक माइक्रो व्यू होता है। ये मैक्रो व्यू माइक्रो व्यू क्या है, इसके इस पर भी एक लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, जब हम कार्ल मार्क्स एज ए थिंकर पूरा हो जाएगा तो हम उस पर देखेंगे। तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ मैक्रो व्यू क्या होता है। जो स्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स लाइक रिलीजन, पॉलिटी, इकॉनमी, एजुकेशन, फैमिली, ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिफाइन करती हैं। इस स्कूल से कौन कौन बिलोंग करता था, इमाइल ड्रुकिम, मार्क्स हुआ, तालकोट पार्सन्स हुआ। लेकिन एक होता माइक्रो व्यू, जहाँ पे जो इंडिविजुअल के रिलेशन डिफाइन करते हैं सोशल स्ट्रक्चर्स को, इसको कौन कहता है, मैक्स वेबर। हम देखेंगे मैक्स वेबर की सोशल एक्शन की थ्योरी, जब उसने बताया था सोशल एक्शन, डिफरेंट सोशल एक्शन जब परफॉर्म करता है तो कैसी स्ट्रक्चर्स क्रिएट होती है। तो फोर्सेज एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस द ह्यूमन थॉट, मतलब जो भी फोर्सेज होगी वो ह्यूमन थॉट को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि ये आईफोन का एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, मतलब आईफोन को इतना ज़्यादा कैपिटलिज्म ने वो कर दिया, भी लोग इसके काफ़ी मीम्स बनते थे, भी मतलब किडनीज बेचनी पड़ती हैं, भी आई एम गोइंग टू बाई iPhone 11, मी टू माई किडनीज, बलिदान देना होगा, ये सेक्रेट गेम्स एक उन्होंने मीम्स उठाया। लेकिन मतलब जो फोर्सेज एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो ह्यूमन थॉट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ह्यूमन माइंड सिर्फ उनके इशारों पर नाचता है। मतलब जहाँ पर आप देखिए ब्रांडेड क्लोज, ये एक तरह की जो कॉन्शियसनेस है, जो कौन पैदा कर रहा है, कैपिटलिज्म पैदा कर रहा है। तो अब कार्ल मार्क्स ने ह्यूमन बींग को आगे और वो किया, उसने कहा भी ह्यूमन बींग के 2 पार्ट होते हैं, एक तो कॉन्स्टेंट होता है जिसको बोलता है उसको, जिसने उसको बोला बींग, जो क्रिएटिव है, जो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करता है, बट जब उसकी क्रिएटिविटी को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो सोसाइटी में तो वो ही और शी फील एलिनेटेड। और एक क्या है, चेंज होता रहता है, जिसको उसने सोशल बींग बोला, और जो कि उसकी ड्यू टू सोशल पोजीशन के कारण है, जो भी सोसाइटी में सोशल पोजीशन है। जैसे कि अगर कैपिटलिज्म में है तो उसकी सोशल पोजीशन क्या है, दोस्त रंग हो सकती है बुर्जुआ और प्रोलेटेरियत। तो मतलब जो भी आपकी उसकी उस सोशल पोजीशन है, सोशल पोजीशन कौन डिसाइड करेगा, उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो कार्ल मार्क्स ने बताया इन प्रेजेंट टाइम जो सोशल पोजीशन है वही डिफाइन करती है किसी बंदे को। अब मैंने बताया वही भी, अगर कोई एक इंटेलेक्चुअल बंदा है बट ही इज पुअर, तो उसकी इंटेलेक्चुअल को इतना नहीं देखेंगे, बट ऊपर से अगर कोई अमीर है, भले ही वो बेवकूफ़ हो, लेकिन उसको देखेंगे। तो आपकी सोशल पोजीशन डिफाइन करती है इन प्रेजेंट सोसाइटी। तो उसने बताया भी कैपिटलिज्म में जो सोशल बींग है वो क्या है, सेल्फिश है। सेल्फिश कैसे, अगर आपने ये देखा होगा, ये देखिए पहले जो नक्सलिज्म था इंडिया में, द टर्म नक्सलिज्म ड्राइव फ्रॉम इस नेम फ्रॉम विलेज नक्सलवाड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जहाँ पे क्या था, पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनकी सेल्फिशनेस, फिर उसके बाद कैपिटलिज्म की सेल्फिशनेस। इट ओरिजिनेटेड एज रिवेलियन अगेंस्ट लोकल लैंडलॉर्ड्स हु वेस्ट ए पीजेंट ओवर ए लैंड डिस्प्यूट। द रिवेलियन वाज इनिशिएटेड इन 1967 विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू वर्किंग पीजेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ कानू सन्याल एंड जगन सतर। तो मतलब ये नक्सलिज्म क्या था, जब फ्यूडल लॉर्ड्स को, हमने देखा था फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जब देश आजाद हुआ तब हमने लैंड रिफॉर्म्स की बात की, हमने बात की मतलब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की, पीजेंट्री रिफॉर्म्स की बात की। तो जब ये क्या कहा था इन्होंने भी, मतलब वो जो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करो,
हमने देखा है इसकी काफ़ी जजमेंट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। हो सकता है मैं उन जजमेंट्स पे, जैसे गोलकनाथ केस की एक जजमेंट है, हो सकता है मैं इन फ्यूचर उस पर क्लासेस लूँ कुछ। तो स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल द मूवमेंट हैज स्प्रेड अक्रॉस द ईस्टर्न इंडिया इन लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ स्टेट्स सच एज छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये आपको पता है, इट इज कंसिडर्ड एट नक्सल स्पोर्ट माओस्ट पोलिटिकल सेंटीमेंट्स एंड आइडियोलॉजी। माओजी इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म डेवलप बाई माओ माओ सी तंग। इट इज डॉक्ट्रिन टू कैप्चर स्टेट पावर थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी मास पॉपुलेशन एंड स्ट्रेटेजिक लाइन। तो जी देख रहे हो आप जो नक्सलिज्म, तो कई एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था भी इंडिया को सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो आपका सिक्योरिटी इशू जो भी आता है GS3 में, तो मतलब वो क्या है, नक्सलिज्म से है। तो जहाँ पे देखे लैंडलॉर्ड की सेल्फिशनेस से कितना ज़्यादा बड़ा हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंज हो गया, और कितने ज़्यादा हमारे यहाँ पे फोर्स डिफेंस का खर्चा हो रहा है, कितने ज़्यादा हमारे जवान शहीद हो गए इस नक्सलिज्म से फाइट करते करते। तो सेल्फिशनेस, और आज के टाइम पर अगर रेड कॉरिडोर इतना भी है, बेशक कम हो रहा है बट स्टिल रेड कॉरिडोर है, तो वो कैपिटलिज्म, जब कैपिटलिस्ट जाते हैं जहाँ पे इनके जो वो होते हैं जल जंगल जमीन का राइट छीनते हैं, जो उनकी सेल्फिशनेस है, तो उसी वो सेल्फिशनेस आज भी कैपिटलिज्म इसको नक्सलिज्म को बूस्ट कर रही, मतलब वो कर रही है, क्या कर रही है, एक मोटिवेट कर रही है जो इनकी सेल्फिशनेस है। तो मतलब जहाँ पे क्या चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। तो ये चीज़ आप, क्योंकि ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, मैंने वही बताया भी पेपर टू को, पेपर वन को पेपर टू से लिंक करना है। लेकिन कम्युनिज्म, सोशल बीइंग, कम्युनिज्म में वो क्या कहा भी, वो कोऑपरेटिव है। लेकिन अगर आप कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में देखोगे, कम्युनिज्म एज ए इकोनॉमिक पॉलिसी तो फेल हो चुकी है। इकोनॉमिक पॉलिसी तो वो इकोनॉमिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वो तो फेल हो चुकी है, लेकिन कम्युनिज्म एज ए फिलोसफी जो कोऑपरेशन की बात करते हैं वो आज भी रेलिवेंट है। अगर आप देखोगे, ये देखिए पूरे स्टेट, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लीडर्स जहाँ पे हैं और वो कोऑपरेशन कहाँ पर कर रहे हैं, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और ऐसे ही ये देखिए टेररिज्म के अगेंस्ट जो फाइट है कलेक्टिव, वो है फॉर ए फ्यूचर विदाउट टेररिज्म। तो मतलब जो कोऑपरेशन है वो क्या कह रहा है, मतलब इसमें कार्ल मार्क्स, जो इंडिविजुअल है वो क्या है, कैपिटलिज्म में सेल्फिश है और कम्युनिज्म में क्या है, कोऑपरेटिव है। तो अगर आपको, आई होप अगर आपको जो क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्क्स ऑन इंडिविजुअल, भी इंडिविजुअल पे क्या व्यू थे मार्क्स के, तो आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। ये छोटे छोटे लेक्चर हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, 10 मार्कर्स इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं इनको, मैंने सोचा भी ये रेफर ये आपको करा दूँ टॉपिक्स। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू क्लास।